मामा टीवी। मलमपेट नाम के गांव में एक डिग्री कॉलेज था। उस कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे थे। उस कॉलेज में कामेश और रोहन करके दो दोस्त भी पढ़ रहे थे। कामेश एक ऑटो चलाने वाले राजू का बेटा और रोहन एक शाहूकार लल्लन का बेटा था। लल्लन बहुत पैसे वाला था। एक दिन लल्लन सेठ ने रोहन से ऐसा बोला, अरे बेटा, तुम इन परीक्षाओं में पास हो जाओ, बस मैं तुम्हें जो चाहिए खरीद के दूंगा। पिताजी, मुझे एक बाइक चाहिए, मैं बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ ना। लेकिन कामेश के पापा राजू एक गरीब ऑटो चलाने वाला होने के नाते कामेश को कुछ नहीं खरीद के देता था। कॉलेज में परीक्षा खत्म हो जाते हैं और उस दिन रिजल्ट भी आने वाला था, इसीलिए सभी लोग नोटिस बोर्ड के यहाँ जम गए। सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट्स देख के पास हो गए तो खुश होने लगे और जो फेल हो गए उदास बैठने लगे। इतने में रोहन कामेश और दोस्तों के पास आया। हे हे, दोस्तों, मैं थर्ड क्लास में पास हो गया हूँ, अब मुझे मेरे पापा मैं जो मांगूंगा वही देगा। यार रोहन, मैं भी बहुत खुश हूँ यार, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया हूँ। तभी सभी लोग कामेश से एक पार्टी के लिए पूछते हैं। यार, आपको पता है ना, मेरे पापा एक ऑटो चलाकर हमारे घर को चलाते हैं। मैं अभी आपको होटल में पार्टी नहीं दे सकता, आप मेरे घर आ जाओ, मैं आप सबको वहाँ पर खाना खिलाऊंगा, उसके लिए मेरे पापा मना नहीं करेंगे। हाँ, भिखारी समझा है क्या हमें, घर में खाना खिलाएगा। मेरे पापा को देखो, मैं थर्ड क्लास में पास हुआ हूँ, लेकिन मेरे पापा मुझे एक बाइक खरीद के दे रहे हैं। कंजूस हैं तेरे पापा। कामेश घर आकर रिजल्ट्स के बारे में अपने पापा राजू से बोलता है। राजू और उनकी बीवी बहुत खुश हो गए हैं। तभी कामेश ने ऐसा पूछा, पापा, मुझे भी कुछ उपहार चाहिए, सभी के घरों में उन्हें कुछ न कुछ खरीद के दे रहे हैं, मैं कॉलेज पैदल नहीं जा पा रहा हूँ, कम से कम मुझे एक साइकिल तो खरीद के दे दो। ठीक है बेटा, देख लूंगा, मुझे कुछ समय चाहिए। तभी राजू के बीवी ने ऐसी बोली, अजी, क्या बोल दिया आपने, बेटे को साइकिल कैसे खरीदोगे, पागल हो गए हो क्या। अरे गीता, वो हमारा एक लौता बेटा है और वह एग्जाम्स में फर्स्ट आया है। जवानी में ऐसे ही कुछ आशाएं होते हैं, मैंने उसका कुछ इंतजाम कर लिया है। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है ना, तभी मैं उसको एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। ऐसा बोलकर राजू कामेश के जन्मदिन पर उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है। धीरे धीरे उसे हाथ पकड़कर अपने घर के बाहर लेके गया। जब बाहर पट्टी को खोला तभी कामेश आश्चर्यचकित हो जाता है, वहां पर एक नया स्पोर्ट्स बाइक थी। कामेश बहुत खुश हो जाता है, उसे लेकर दोस्तों को बाइक दिखाने के लिए जाता है। अरे गीता, देखा मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कान, मैं बाइक का कर्जा धीरे धीरे चुका लूंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कान लाखों का है। एक्सप्रेस ऑटो। खुशी राम चंद्रपुर गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास अपने पिता की दी हुई निशानी एक ऑटो था। वो उस ऑटो से बहुत प्यार करता था। वो ऑटो चलाने के साथ साथ बहुत अच्छा ऑटो मैकेनिक भी था। उसने अपने पिताजी के पुराने ऑटो में नए कलपुर्जे लगाकर उसे एक बहुत अच्छा ऑटो बना दिया था। उसके ऑटो को वहाँ के लोग एक्सप्रेस ऑटो कहते थे, क्योंकि वो बहुत तेज चलता था। खुशीराम अपने ऑटो में स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता था और खाली समय में सवारियाँ भी उठाता था, और बाकी समय जो बचता था उसमें अपना मैकेनिकी का काम किया करता था। उसका काम सही चल रहा था। एक दिन जब खुशीराम अपने ऑटो को ठीक कर रहा था, तभी हेमचंद नाम का एक आदमी उसके पास आता है। अरे हाँ वे खुशीराम, क्या हाल है, कैसा चल रहा है तेरा काम। अरे हेमचंद जी, आप आइए बैठिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे इस ऑटो को खरीदने के लिए,
लेकिन अभी तक चुकता नहीं करे, तो भैया मुझे मेरे पैसे चाहिए। लेकिन हेमचंद जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। अरे नहीं नहीं खुशी भाई, बहुत मोहलत हो गई, अब तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, तो इसलिए भैया एक काम करो, ये ऑटो मुझे दे दो। खुशीराम हेमचंद के बहुत हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन हेमचंद नहीं मानता और वो उसका ऑटो उठाकर ले जाता है। इस बात से खुशीराम बहुत दुखी होता है। उसे परेशान देख उसकी बीवी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? तभी खुशीराम का बेटा चिंटू वहाँ आ जाता है। पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आप तो इतने अच्छे मैकेनिक हो, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने खुद के ऑटो बनाना शुरू कीजिए और गांव वालों को किस्तों में बेचना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके ऑटो भी बिकने शुरू हो जाएंगे और गांव के लोगों का रोजगार भी मिलेगा। चिंटू की बात तो सही है, ऑटो बना लिया जाए तो फायदा है, भला इसमें नुकसान क्या है। और खुशीराम अगले ही दिन से अपनी वर्कशॉप में ऑटो बनाना शुरू करता है और वो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस ऑटो बनाकर तैयार कर देता है और उस ऑटो को गांव वालों को बेचने की पेशकश करता है। हाँ हाँ खुशी भाई, हम खरीदेंगे आपके ऑटो। और इस तरह से खुशीराम का ऑटो बनाने का काम चल निकलता है और उसके बनाए एक्सप्रेस ऑटो हाथों हाथ बिकने लगते हैं और खुशीराम हेमचंद को पैसे देकर अपने पिताजी का पुराना ऑटो भी छुड़ा लेता है। और इधर गांव वाले खुशीराम का धन्यवाद करते हैं, खुशीराम भैया आपने हम लोगों को रोजगार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है। गरीब मजदूर का सीमेंट कार। एक गांव में तोमर करके एक आदमी था, वह एक मिस्त्री का काम करता था। आसपास के गांव में मिस्त्री का काम करके घर बनाता था। एक दिन उसका दोस्त मिथुन तोमर के पास आया। अरे यार मिथुन, कैसे हो, बहुत दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए? क्या बोलूं यार, पता नहीं मेरा नसीब ही खराब है या मुझे सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। मिथुन क्या हुआ, जरा ठीक से बोलो यार। यार तुम्हें पता है ना कि मैंने एक नया कार खरीदा है कल्याण सिंह साहूकार से। कल उस कार का एक्सीडेंट हो गया है, तभी मुझे पता चला कि उसने मुझे नकली इंश्योरेंस करवा के बेच दिया है। जब पुलिस ने जांच की, नकली इंश्योरेंस के इल्ज़ाम में मुझे अंदर कर दी। आखिर मैं एक महीने के बाद स्टेशन से बाहर आया हूँ यार। एक महीने में इतना सारा बात हो गया? चलो अभी के अभी, मेरे जान पहचान वाले पहलवान बहुत हैं, अभी जाकर उस कल्याण सिंह की हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे यार नहीं, उसकी बात छोड़ दो, उसकी मैंने अलग से तैयारियां किया है। बस तुम एक मिस्त्री हो ना, मेरे कार का बॉडी पूरा खराब हो गया है, उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। एक काम कर सकते हैं यार, मेरे पास जो सीमेंट मिक्सर है उससे हम तुम्हारे कार को पूरा एक सीमेंट कार में बदल सकते हैं, फिर तुम्हारे कार को कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए कम से कम तो एक दिन लगेगा ही। आइडिया तो सुपर है, ठीक है मैं कल आऊंगा। ऐसा बोलकर तोमर पूरे कार को सीमेंट कार में बदल देता है। मिथुन आकर उस सीमेंट कार को ले जाके कार स्टैंड में लगा देता है। तभी सारे कार ड्राइवर्स सीमेंट कार को देखकर हंसने लगते हैं। तभी मिथुन ने बोला, अरे हंस लो भाई हंस लो, जितना भी हंसना है अभी हंस लो। एक बार तुम्हारी कार को कुछ एक्सीडेंट हो जाती है, तब पता चलेगा कि तुम्हारा इंश्योरेंस नकली है, तभी तुम सड़ोगे जेल में। ऐसा बोलते ही सारे ड्राइवर्स मिथुन के पास आते हैं और मिथुन कल्याण सिंह का सारा असलियत बोल देता है। तभी उनमें से एक ड्राइवर सरकारी ऑफिस जाकर जांच करवाई। तभी उस ऑफिसर ने भी यही बात बोला कि इंश्योरेंस नकली था। उसी दिन सभी ड्राइवर्स और मिथुन कल्याण सिंह के पास जाकर उसे बहुत मारते हैं, उसे लेकर पुलिस की हवाले कर देते हैं और कंप्लेंट भी करते हैं। तुरंत पुलिस ने कल्याण सिंह को जेल में डाल देती है। तभी मिथुन उसके पास गया। क्यों कल्याण सेठ, तुम समझते हो कि एक तुम ही हो जो दूसरों को धोखा दे सकते हो? अभी जेल के अंदर बैठकर
जेल की सड़े हुए खाने का मजा लो। ऐसा मित्र अपने सीमेंट कार में वहां से चला गया और उसी को चलाकर खुशी से रहने लगा।